हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 13 है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, मैं जो है एक सीरीज चला रहा हूँ इंटरव्यू के हवाले से, और कुछ दिन मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं रखे लेक्चर क्योंकि जो है वो आपके इंटरव्यू शुरू हो चुके थे कराची कम्युनिटी के, वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा था, ठीक है। तो अभी जो है वो 22 तक मैं जो है वो ये रखूँगा लेक्चर, उसके बाद आपके फिर जो है वो इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं, और कोशिश करूँगा मैं आपके साथ जो सारे क्वेश्चन थे वो शेयर करता जाऊँगा, ठीक है। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हमारे पास है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन असल में होता है द लॉस ऑफ वाटर और रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम लीफ सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो है प्लांट जो होते हैं, जब एक्सेस ऑफ वाटर होता है तो उसमें क्या करते हैं, वेपर्स की फॉर्म में जो है वो वाटर को ज़्यादा ज़्यादा जो भी वाटर है उसको क्या करते जाते हैं, रिमूव करते जाते हैं, तो उसको ट्रांसपायरेशन कहा जाता है, ठीक है। एक और भी होता है गटेशन, उसको भी आप पढ़ लें, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स जो वाटर होता है वो लीफ सरफेस से रिमूव होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गटेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एवापोरेशन, ये भी क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एनी सरफेस। और ट्रांसपायरेशन और एवापोरेशन में सिर्फ फ़र्क ये होगा कि जो एवापोरेशन होती है वो एनी काइंड ऑफ सरफेस, चाहे फिर वो आप सॉइल पे हों या किसी की छत पे हों, कुछ भी हो, जहाँ से भी हो रहा है, तो ये एवापोरेशन होती है। ट्रांसपायरेशन हम पर्टिकुलरली प्लांट्स के लीफ सर्फेसिस की बात करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्टोमेटा। दीज आर माइक्रोस्कोपिक पोर्स आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस का सिस्टम टू गार्ड सेल्स हेल्प इन ट्रांसपायरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। ये स्टोमेटा जो होते हैं वो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, पोर्स होती हैं, विच आर बींग गार्ड बाय टू गार्ड सेल्स, और ये क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन और गैसेस एक्सचेंज में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। इनके टाइप होते हैं, और जीरोफाइट्स के अंदर इनकी थोड़ी अलग स्ट्रक्चर होती है, या किसी हाइड्रोफाइट्स में ज़्यादातर होते हैं, इनके जो है वो कुछ टाइप्स होते हैं। सोर्स सिंक मूवमेंट, थोड़ा सा समझिए, सोर्स सिंक मूवमेंट। सोर्स वो जगह है जहाँ से कोई चीज़ बन रही है, और सिंक वो है जहाँ पे कोई चीज़ कंज्यूम हो रही है। तो ये बनने से लेकर कंजप्शन तक जो भी प्रोसेस होता है या मूवमेंट होती है, उसको कहा जाता है सोर्स सिंक मूवमेंट और सिंक मूवमेंट। और ये खास तौर किस में होती है, प्लांट्स के अंदर। ये क्या होती है, ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम पॉइंट ऑफ सिंथेसिस टू द पॉइंट ऑफ यूटिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड द सोर्स टू सिंक मूवमेंट। ज़ाहिर है जो भी पौधों के अंदर जो लीफ होते हैं वहाँ पे जो खाना बनता है, तो वो वहाँ से लेकर जहाँ पे इनकी ज़रूरियात हैं, जब चला जाए वहाँ पे कंज्यूम हो, तो उसको क्या कहा जाए, सोर्स सिंक मूवमेंट। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्यूटिकल। क्यूटिकल एक क्या होती है, वैक्सी नॉन लिविंग लेयर होती है विच रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ये एक क्यूटिन की बनी हुई नॉन लिविंग जो है वो लेयर है, जिसको क्या कहा जाता है, क्यूटिकल। और ये एक वैक्सी लेयर होती है जिसका काम होता है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को कम करना। ये जीरो फाइट्स में जो है वो ज़्यादातर क्या होती है, थिक होती है, क्योंकि वो वाटर को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। उसके बाद हमारे पास फिनेरोगेम्स, दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट्स विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंज इनटू सीड एंड फ्रूट। अब ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर फ्लावर्स होते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो बाद में जो है वो मेच्योर होकर सीड एंड फ्रूट में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ओवरी मेच्योर इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल मेच्योर इनटू ए सीड। क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, दीज आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स द लेक सीड, और ये इनके पास सीड वगैरह नहीं होते, और ये क्या करते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, वहीं से जो आप अपनी जो है वो जनरेशन को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमारे पास के स्पेशीज, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच लिव इन पर्टिकुलर टाइम एंड स्पेस एंड इंटरप्रेट विथ ईच अदर, इसको क्या कहा जाता है, स्पेशीज। अगर किसी भी जगह पे कोई पर्टिकुलर स्पेशी है, फॉर एग्जाम्पल गोट की स्पेशी है या डोंकी की स्पेशी है, कोई भी स्पेशी हो एक जगह पे रह रही है, और उसके साथ अपने पर्टिकुलर टाइम में स्पेस में और एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरब्रीड कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेशी कहते हैं। और ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी होता है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाजिर होगा। और दुआओं में याद रखिएगा, शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हुए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।